A1 प्रणाली बदलने को लेकर दुकानदारों ने विधायक से मुलाकात की। सभी दुकानों को एक साथ खोलने की अनुमति मांगी है। दुकानदारों ने कहा कि हमारा समय चाहे घटा दो, लेकिन सभी को एक साथ दुकान खोलने की अनुमति दी जाए। इसके अतिरिक्त दुकानदारों ने नगरपालिका कर्मचारियों द्वारा उनके साथ दुर्व्यवहार किए जाने का भी आरोप लगाया है, जिस पर विधायक राम कुमार कश्यप ने कहा कि यदि किसी ने ऐसा किया तो वह ठीक नहीं है, उनको चेतावनी दे दी जाएगी। यदि दोबारा से उनकी शिकायत आई तो इस पर कार्यवाही भी की जाएगी। कोरोना महामारी के चलते पूरे देश में लॉकडाउन किया गया है, जिसके चलते करनाल जिला में सभी दुकानें ऑड इवन प्रणाली के अनुसार खोले जाने की अनुमति दी हुई है। इस हिसाब से एक नंबर वाली दुकान एक दिन व दो नंबर वाली दुकान दूसरे दिन खोली जानी है। लेकिन इस प्रणाली को लेकर इंद्री हलके के दुकानदारों में रोष व्याप्त है। दुकानदारों का कहना है कि सरकार चाहे दुकानों को खोलने का समय जो मर्जी रखे, लेकिन सभी दुकानें हर रोज खोली जानी चाहिए। इस मांग को लेकर आज इंद्री के दर्जनों दुकानदार विधायक राम कुमार कश्यप को मिले और अपनी समस्या उनके सामने रखी। दुकानदारों की मांग है कि सभी दुकानें रोज खुलनी चाहिए और दुकानें खोलने का समय सुबह 8 बजे से 2 बजे तक किया जाए। दुकानदारों की बातों को विधायक ने ध्यानपूर्वक सुना और आश्वासन दिया कि वह SDM से मिलकर इस मांग को पूरा करने का प्रयास करेंगे। शाम तक इस बात का निर्णय ले लिया जाएगा। उनकी दुकानदारों की मांग थी कि जैसे ओड इवन, एक दिन ओड नंबर की दुकानें खुल रही हैं, दूसरे दिन इवन की। अभी सारे इकट्ठे होकर के आए थे, उनकी समस्या थी ये दुकानें जो हैं ओड इवन न रह करके सारे ही खोल दी जाए, बेशक टाइम को कम कर दिया जाए। तो उनकी समस्या जायज़ है, क्योंकि देखिएगा सभी बिजनेसमैन जब लेन देन चलता है, लेन देन के बिना कोई बिजनेस ही चलता है। सभी ने पैसा किसी को देना है, किसी को लेना है। देना कहीं जैसे इंडस्ट्री को देना, फैक्ट्री वाले को देना, लेना कहीं है जैसे किसी जमींदार से लेना है, मजदूर से लेना है। और ये सीजन जैसे गेहूँ का है, इस समय जब सीजन होता है गेहूँ का या धान का, सबके पास पैसा आ जाता है, चाहे थोड़ा है चाहे ज़्यादा है। तो और जब पैसा आता है, चाहे किसान पर आया है, किसी पर भी आया, तो फिर वो जिसका पैसा देना देने का काम भी करता है। दुकानदारों का ये कहना है अगर हमारी दुकान बंद रहेगी एक दिन, जैसे ओड नंबर उसका बंद रहेगी, कोई ग्राहक उसका आया पैसे देने आया और दुकान बंद आएगी तो उसके पैसे नहीं मिलेंगे, फिर अगले दिन पता नहीं उसको मिले या नहीं मिले, अपना सामान दूसरे से खरीद करके अपने घर चला जाएगा। तो ये चिंता थी उनकी, तो मैंने इस चिंता को समझा, उनकी मांग जायज़ है। अभी SDM साहब से प्रशासन से मिल करके उनकी समस्या का समाधान निकालेंगे और मुझे पूरी विश्वास है कल से ओड इवन इंद्री से खत्म करने का काम करेंगे, सारों की दुकानें खोलने का काम करेंगे। परंतु उससे फिर मैंने एक विश्वास जरूर लिया है। देखोगा अभी जितने चाहे मंडी का काम है, यहाँ भी जो लॉकडाउन की दिशा निर्देश है उसके तहत काम चल रहा है, दुकानें हमारी खुल रही, ये भी कुछ दिशा निर्देश सरकार की तरफ से हैं, केंद्र सरकार की तरफ से, प्रदेश सरकार की तरफ से, उनका पालना करने के साथ पालना भी करनी होगी। अगर कहीं पालना नहीं करेंगे तो फिर कहीं ना कहीं फिर कानूनी कार्रवाई का भी फिर उसमें नियम है तो वो करेंगे। तो परंतु सभी ने विश्वास दिलाया मेरे को भाई हम सभी लॉकडाउन के जो दिशा निर्देश उसका पालना करते हुए दुकानें खोलने काम करेंगे, डिस्टेंस का ध्यान रखेंगे और अपनी जिम्मेवारी समझते हुए काम करेंगे। जब ऐसा वो कह रहे हैं तो ये मैं नहीं समझता फिर ओड इवन से दुकानें खोलने फिर मेरा ऐसा ही रहेगा मानना, विश्वास है भी उनकी पूरी दुकानें जो हैं ओड इवन खत्म करके सभी की दुकानें खोलने काम करें। और टाइम की बात रही 2 बजे कह रहे थे, फिर मेरा ऐसा मानना भी 2 बजे की जगह 5 बजे उसको कर दिया जाए, क्या है सारा दिन ही खोलने का, सारा दिन ही उसको दुकान खोलने का। पर वो अनुशासन में रह करके दिशा निर्देश में काम करेंगे तो सारा काम ठीक होगा। और मैं बधाई दूंगा इंद्रीवासियों को, इंद्रीवासियों से सारे अनुशासन में रहने वाले हमारे नागरिक हैं, बिजनेसमैन भी ऐसे हैं, लॉकडाउन की पालना कर रहे हैं, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत हो जाता है, देखो ह्यूमन बीइंग है, परंतु वो उसका भी उसे ध्यान रखें ऐसा मेरा। अच्छा कुछ मिसबिहेव के भी आरोप लगाए भी सचिव के या नगर पालिका के कर्मचारी दुकानदारों के साथ जाकर के मिसबिहेव कर रहे हैं? नहीं मिसबिहेव तो नहीं, जाति जूती थोड़ा बहुत कोई एक दुख का दुख शिकायत मेरे नॉलेज में आई है। जब मेरे नॉलेज में आई तो फिर मैंने नगर पालिका के सारे अधिकारियों कर्मचारियों को मैसेज देकर के उनको मैंने दिशा निर्देश दिए थे भाई आप सभ्य आदमी हैं सारे, सभ्यता से बात करें और नियमानुसार काम करें, कोई ये नहीं मतलब नियमों से बाहर निकल करके काम करे, असभ्य बोले किसी को, सभी नागरिक हैं, सभी आप हमारे भाई हैं सारे। तो ऐसा मैंने उनको बोला है और मुझे लगता है उसके बाद मेरे ख्याल में ऐसी कोई शिकायत नहीं है। और अगर फिर भी मैं आगे ऐसी कोई शिकायत ना हो दुकानदार की, बिजनेसमैन की, सारे
हमारे भाई हैं वो भी हमारे माननीय सम्माननीय हैं, वो भी कहीं ना कहीं देश की सेवा कर रहे हैं लॉकडाउन के समय में। मैं नगर पालिका में विशेष रूप से जाकर के सारे अधिकारीगण को कर्मचारीगण को इनकी मीटिंग लेकर के उनको यही दिशा निर्देश देने काम करेंगे, जैसे सरकार के दिशा निर्देश सभी सभ्यता में रह करके अनुशासन में रह करके काम करें, किसी को ऊंच नीच उल्टा फुलटा नहीं बोले, ठीक है। इस प्रकार की शिकायत पुनः आती है तो कार्रवाई करेंगे। मैं दो बार कह चुका हूँ उनको भी, अगर उनकी तरफ से शिकायत होगी उनकी तरफ भी कानूनी कार्रवाई करेंगे फिर, ठीक है ना। फिर चाहे अधिकारी हो, कर्मचारी हो, चाहे MLA हो, कार्रवाई होगी। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.